मुरादाबाद में एक शिक्षिका हैं जो जानवरों से बेहद प्यार करती हैं जो भी इंजर्ड जानवर मिलते हैं उनकी सेवा करने लगती हैं उनको पालती हैं उन्हें एक अच्छा माहौल में उनका जीवन यापन करने का कार्य करती हैं बातचीत करने के लिए के हमारे साथ मौजूद हैं हम उनसे जान लेते हैं कि कब से यह कार्य कर रही हैं कितने जानवर हैं और क्या उद्देश्य है इस कार्य को करने का मैडम क्या नाम है आपका मेरा नाम चंद्रप्रभा सिंह है अच्छा कितने जानवर हैं कब से ये सेवा कर रही हैं 2005 से वैसे कर रही थी लेकिन जॉब भी थी साथ में तो इतना सीरियसली नहीं कर पा रहे थे फिर 2013 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी दी प्राइवेट जॉब था अभी भावक संघ से मैं मैथोटिस्ट में टीचर थी सत्रह साल मैंने वहाँ काम करा वो टीचिंग की जॉब जो थी वो किस बजे से छोड़ी क्या मेन बजे थी जानवर भी परेशान होते थे क्योंकि फिर हमारे यहाँ ताला लग जाता था तो जानवर भी रोते थे फिर मैंने छोड़ ही दी

बस और बाकी एक बिल्ली मेरी मर गई आज ही मरी सुबह बाकी सो तो सारे डॉग्स हैं तो आप कैसे पता करती हैं कि ये इंजर्ड जानवर हैं इनको पकड़ के लाया जाए और घर कर... आते हैं भैया लोग ले लेकर यहाँ मेरे दरवाजे पे ले आते हैं कभी मेरा बेटा उठा लाता है कभी छोटा बेटा उठा लाता है कभी पहले तो शुरू में मेरे हस्बैंड ही उठा लाते थे कि हाँ रख लो जहाँ वो तो स्टेशन से उठा लाते हैं वो भी बेचारा बच्चे मर ही गए क्योंकि बीमारी इनकी ऐसी होती है ना छोटे बच्चों की वो हो गया या डिस्टेंपर लास्ट ईयर तो डिस्टेंपर से मेरे आठ डॉग्स मर गए नहीं बचा पाई मैं क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता मिलती है प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिलती है या कोई ट्रस्ट है आपका किस तरह से या स्वयं ही अपना खर्च करके इनका पालन पोषण नहीं नहीं ना सरकार से ना ही कहीं ट्रस्ट से ये सिर्फ हमारा अपना स्वयं सेवक Uh, सेवा है ये समझ ये मेरे हस्बैंड और मैं हम ही दोनों मिलकर अपना खर्चा जो भी चलाते हैं अपने uh, अर्निंग से करते हैं हमें आज तक किसी से एक रुपया भी नहीं मांगा तो इनका खान पीन में क्या दिया जाता है इनको किस तरह से इनका पालन पोषण किया जाता है खान पान में तो हम ऐसा इतने सारे हैं और अर्निंग सिर्फ मेरे हज... इस वक्त तो मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं क्योंकि मैं कोई सपोर्ट नहीं कर पा रही क्योंकि मैंने अभी इस समय शादी का काम कोई पकड़ा नहीं मेरी मदर की डेथ हुई अभी उनतीस दिसंबर को तो इसलिए सारा सा खर्चा पानी तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और खाने में हम अगर मैं ये कहूंगी मैं बहुत अच्छा देती हूँ तो वो झूठ होगा मैं पानी देती हूँ बस अच्छा। <laughs> अब आप, आप कहोगे कैसे अब थोड़ा सा बस चिकन मंगा लिया और खूब बड़ा डिगचा भर के पानी में उबाल दिया तो वो सूप बन गया बस खुशबू उसमें नमक डाली थोड़ी थोड़ी पेडीगरी डाल दी ब्रेड ले आते हैं कभी ब्रेड है कभी दलिया है कभी चावल बना लिया खीर जैसे बना ली नाम की खीर जिसे कहते हैं ना तो गरीबों वाली खीर हाँ पर उनका चेंज हो जाता है कि मीठा मिल गया उन्हें रस दे देते हैं और कभी कभी क्या कहते हैं जैसे जो बीमार है उस उसके लिए थोड़ा सा ध्यान करना पड़ता है कि उसको जैसे नहीं खा रहा है तो ब्रेड के साथ अंडा डाल दिया ये पनीर दे दिया तो एक तरह से कह सकते हैं पूरा इतना परिवार अच्छा नहीं दे पाते इतना अच्छा नहीं अगर मैं कहूँ कि हम इतना अच्छा नहीं कर सकते कर ही नहीं सकते भैया नहीं कर सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने परिवार को भी देख रहे हैं और अपने साथ साथ भाई बहनों को भी देख रहे हैं, करते हैं। मेरे हस्बैंड रेलवे में डिप्टी सी आई टी तो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा परिवार जो है जानवरों की सेवा में लगा हुआ है निस्वार्थ मन से बस बिल्कुल ये सही बात कही तो आपने देखा इन्होंने पूरी बात हमें बताई है इनका कहना है कि मैं निस्वार्थ मन से जानवरों की सेवा करती हूं स्थानीय लोग भी यहां आकर छोड़ जाते हैं जो इंजर्ड कुत्ते होते हैं या बिल्ली होती है उसको छोड़ जाते हैं क्योंकि ये पालती हैं उन्हें उन्हें पालन पोषण उनका ठीक प्रकार से किया जा रहा है इनका कहना है कि जितने में हम जो हमारे पास है हम उसी से उसकी सेवा करेंगे हमें सरकार से कोई मदद नहीं चाहिए अगर मांगने से कोई मदद मिलती है तो वह मदद नहीं कहलाती है ये पूरी सेवा पूरी तरीके से निस्वार्थ मन से की जा रही है पीयूष शर्मा न्यूज़ एटीन मुरादाबाद